खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर दे दें। नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। विदेश से भारत आए एक परिवार के साथ काफी बुरा हुआ है। पति ने कल सुबह दिल्ली में मेट्रो के सामने कूदकर जान दे दी। आहत होकर पत्नी ने 5 साल की बेटी के साथ फांसी लगा ली। चाय की बड़ी कंपनी में पति जनरल मैनेजर थे, पत्नी गृहिणी थी। विदेश से ये पूरा परिवार भारत आया था, नोएडा में रह रहे थे और पति ने कल मेट्रो के सामने कूदकर जान दे दी, जिससे आहत होकर दुखी होकर पत्नी ने पहले अपने 5 साल की बच्ची को मारा और खुद भी आत्महत्या कर ली। ये दुखद खबर नोएडा से है। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी के जनरल मैनेजर की आत्महत्या के बाद उनकी पत्नी और 5 साल की मासूम बच्ची की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली से सटे नोएडा की सेक्टर 128 में जेपी पवेलियन कोर्ट 8 में है, जहां रहने वाले भरत जैन ने शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उनका शव अस्पताल में ही था, जहां उनकी पत्नी अपने देवर के साथ देखने गई थी। हालांकि जब वो शाम में घर वापस आई तो अपनी बच्ची के साथ इसी इमारत की 7वीं मंजिल पर अपने फ्लैट में उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर भरत जी क्या किसी मानसिक तनाव में थे, क्या कोई व्यावसायिक वजह थी या किसी पारिवारिक वजह की कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। पत्नी उन्हें देखने अस्पताल गई थी, लेकिन आत्महत्या से परेशान उनकी पत्नी जब घर वापस आई तो अपनी 5 साल की मासूम बच्ची के साथ फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। उनके भाई भी यहीं रहते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले भरत जे किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की और उनकी पत्नी और 5 साल की मासूम बच्ची की आत्महत्या के पीछे क्या वजहें रहीं। उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। तो नोएडा से ये दुखद खबर है, जहां पहले पति ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद पत्नी ने पहले अपने 5 साल की बच्ची को मारा और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। ये बड़ी और दुखद खबर दिल्ली के नजदीक नोएडा से, जहां पर विदेश से आए एक परिवार ने, जीएम थे पति और उन्होंने पहले सुसाइड किया। उसके बाद पत्नी अस्पताल जाती है, उनको देखकर आती है और उसके बाद घर में खुद बेटी के साथ सुसाइड कर लेती है। बड़ी और दुखद खबर दिल्ली के नजदीक नोएडा से।